तो देखो बच्चों, जो हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में वह था वोल्ट मीटर और इसकी माप सीमा में वृद्धि। और इससे पहले हम लोग ए मीटर पढ़ा चुके थे। अब यहाँ पास हम लोग दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। तो इसमें मुख्यतः जो है ए मीटर और वोल्ट मीटर में पांच अंतर है, जैसा कि हम लोग डिफिनेशन में पढ़ भी चुके हैं और उससे एक अंतर हम लोग निकाल भी सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम लोग यहाँ पास लिख दिए हैं और इसको देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में है कि ए मीटर, तो ए मीटर वैसा विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ से प्रवाहित होने वाली कुल धाराओं को मापा जाता है, यानी ए मीटर से कुल धाराओं को मापा जाता है। जबकि वोल्ट मीटर में यह ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से किसी दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर को मापा जाता है, अर्थात विभवांतर को मापता है। सेकंड है कि यह अपना रीडिंग, अपना पाठ्यांक देगा वह एम्पियर में देगा। ए मीटर अपना पाठ्यांक किस में देगा? एम्पियर में देगा। जबकि वोल्ट मीटर अपना पाठ्यांक वोल्ट में देगा। तीसरा अंतर है कि इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि पहले भी बतला चुके हैं कि श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इसे कुल धाराओं को मापना होता है और कुल धाराओं को मापने के लिए इसे श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, क्योंकि धारा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, धारा चूंकि दूसरे दिशा में जा नहीं रही है, एक ही दिशा में जा रही है, जहाँ भी मापना होगा तो उसे हम लोग श्रेणी क्रम में मापेंगे। जबकि वोल्ट मीटर को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि ये किसी वायर के दो बिंदुओं के विभव के अंतर अर्थात विभवांतर को मापना होता है। चौथा पॉइंट है कि इसकी माप सीमा में कैसे वृद्धि करेंगे? तो इसकी माप सीमा में वृद्धि करने के लिए हम लोग निम्न प्रतिरोध का चालक तार किस स्थिति में जोड़ेंगे? समानांतर क्रम में। इसको खुद जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, लेकिन इसके माप सीमा में जब वृद्धि करना होता है तो उसे जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। जस्ट इसका उल्टा है वोल्ट मीटर में, कि वोल्ट मीटर के माप सीमा में वृद्धि करने के लिए क्या करते हैं कि उच्च प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जबकि इसे परिपथ में वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, लेकिन माप सीमा में जो वृद्धि की जाती है तो उसके लिए उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जस्ट उसका उल्टा। हम लोग पांचवा देखेंगे कि एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है वह शून्य होता है। एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध लगभग क्या होता है? शून्य होता है। जबकि एक वोल्ट मीटर का, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो यही है तुम्हारा पांच अंक से हम लोग दोनों में क्लासिफिकेशन करते। देखो अब हम लोग जो है शंट को देखेंगे कि शंट क्या है और वह किस तरह से रीडिंग देता है और इसका व्यवहार क्यों किया जाता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर अल्प धाराओं को ही एम्पियर में मापता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अधिक विद्युत धारा आने के कारण गैल्वेनोमीटर को नष्ट हो जाने का खतरा उत्पन्न होता है। तो इस खतरे से बचाव के लिए एक निम्न प्रतिरोध के सुचालक तार को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे अधिकांश धारा वह निम्न प्रतिरोध से होकर गुजर जाती है और गैल्वेनोमीटर से कम धारा का ही प्रवाह हो पाता है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि यह गैल्वेनोमीटर का सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात सेफ्टी डिवाइस के रूप में कार्य करता है। तो शंट क्या है? एक निम्न प्रतिरोध का सुचालक तार है जिसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे ये गैल्वेनोमीटर हो गया और इसे इसके समानांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का एक सुचालक तार जोड़ दिए और इसी सुचालक तार को संट कहा जाता है। यहां हम लोग बैटरी बना ले,
एक स्विच लगा देते। तो इसे हम लोग देखेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर हो गया और इसके समानांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का सुचालक तार जुड़ा हुआ है जिसे संट कहा जाता है। अब इसे परिपथ से जोड़ दिया गया है, ये पॉजिटिव हो गया बैटरी का और ये निगेटिव। जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ से आई विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। अब यह धारा पी बिंदु पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है। स्विच ऑन कर जैसे ही स्विच ऑन करते हैं आई विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है और यह धारा पी बिंदु पर पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाती है। कुछ धाराएं गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने लगती हैं और कुछ संट से प्रवाहित होने लगती हैं। तो अगर मान लिया जाए कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा आई जी हो तो संट से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी हो जाएगी, तो कुल धारा I है और गैल्वेनोमीटर से IG धारा प्रवाहित हो रही है तो संट से धारा का प्रवाह जो होगा IS बराबर I माइनस IG। ये किस नियम से, तो क्रिचॉफ के प्रथम नियम से, क्योंकि क्रिचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी जंक्शन पर आने वाली कुल धारा और वहां से होकर जाने वाली कुल धारा का बीजीय योग शून्य होता है, अर्थात शेष धारा ही दूसरी दिशा में जाएगी। तो यहां हम लोग देखेंगे चूंकि ये हम मान लेते हैं कि माना कि कुल धारा आई गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा धारा IG संट से प्रवाहित होने वाली धारा IS बराबर I माइनस IG। अब यहां पर हम लोग देखेंगे ओम के नियम से गैल्वेनोमीटर के लिए V इज इक्वल टू आई आर यानी आई जी इंटू जी। अब दूसरा जो है संट के लिए V पी क्यू इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, जहां एस संट का प्रतिरोध बतला रहा है और जी जो है वो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बतला रहा है। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दें और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर दें। यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर वी पी क्यू और यहां का भी विभवांतर जो है वी पी क्यू हुआ, तो इसलिए समीकरण एक तथा दो से, तो यहां वाला हम लोग देखेंगे आई जी इंटू जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको दोनों को मल्टीपल कर देंगे, इसको समान रखें तो आई जी इंटू जी तो ये हो जाएगा आई एस माइनस आई जी इंटू एस। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ आई जी इंटू एस है और यहाँ आई जी इंटू जी है, ये निगेटिव में है। जब हम लोग इसको इधर लाएंगे यानी आई जी इंटू जी तो प्लस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई एस, ये दोनों में आई जी है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे।
तो जी प्लस एस बराबर आई इंटू एस, तो आई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आई एस बाई एस प्लस जी भी लिख सकते हैं, जी प्लस एस भी लिख सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान निकल जाएगा कि गैल्वेनोमीटर से कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कि संट से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग का क्लियर हो गया कि गैल्वेनोमीटर से कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो उसके लिए सूत्र जो आ गया आई जी इज इक्वल टू आई एस इन बाई एस प्लस जी। अब देखेंगे कि शंट से कितनी धारा का प्रवाह हो रहा है, तो शंट से प्रवाहित होने वाली धारा, तो यहां हम लोग देख चुके हैं कि आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी, क्योंकि एक बार फिर बतला देते हैं कि कुल धारा आई है जो पी बिंदु पर पहुंची और इसके बाद गैल्वेनोमीटर से आई जी धारा गई, तो बाकी शेष धाराएं जो है वो शंट से होकर प्रवाहित हो रही है। तो बाकी शेष धाराएं कितनी हो गई, तो आई एस बराबर आई माइनस आई जी, यानी हम लोग लिखेंगे यही चीज आई माइनस आई जी। अब आई जी को लोग एक बार इंडिकेट कर देते हैं, आई माइनस आई जी का वैल्यू यहां से ले लें, तो ये हो जाएगा आई इन बाय आई एस बाई एस प्लस जी। अब हम लोग ये दोनों आई को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस एस बाई एस प्लस जी। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एस प्लस जी, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब यहाँ होगा तो एस प्लस जी माइनस एस, तो एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि आई एस बराबर आई जी बाई एस प्लस जी, ये सूत्र हो गया संट से प्रवाहित होने वाली धारा का, ये सूत्र हो गया। अब थोड़ा हम लोग याद करने के लिए आसानी से देखेंगे कि जब यहाँ आई जी था तो यहाँ क्या लिखे, आई इंटू एस बाई एस प्लस जी। यहाँ देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे कि यहाँ आई एस है अर्थात संट से प्रवाहित होने वाली धारा, तो ये क्या है, आई इंटू जी बाई एस प्लस जी, यानी आई बाई एस प्लस जी, आई बाई एस प्लस जी दोनों में कॉमन है। इसमें क्या है कि जब यहाँ एस रहेगा तो यहाँ गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध रहेगा, और जब यहाँ गैल्वेनोमीटर से धारा रहेगी तो यहाँ संट का प्रतिरोध रहेगा। तो इस मेथड से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे और इस विधि द्वारा संट का प्रतिरोध या संट से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो हम लोग न्यूमेरिकल में देखें। अब हम लोग अभी जो फॉर्मूला ज्ञात किए थे उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल है, जिसमें है लिखा हुआ शंट का प्रतिरोध 5 ओम है और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 45 ओम है। तो हम लोग पहले एक ग्राफ ड्रा करेंगे, तो पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर ये बना लेते हैं, क्योंकि शंट जो लगता है वह गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में यूज किया जाता है। तो ये शंट हो गया और एक जो है वो 40 वोल्ट की बैटरी। गैल्वेनोमीटर का यहाँ दिया हुआ है क्या, शंट का प्रतिरोध, यानी एस इज इक्वल टू 5 ओम। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है अर्थात जी बराबर 45। ये कितना वोल्ट की बैटरी है, 40 वोल्ट, यहाँ लिख देंगे V इज इक्वल टू 40 वोल्ट, और एक स्विच लगी हुई है। अब स्विच को ऑन करते हैं तो इससे I विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कुल धारा भी नहीं दी हुई है और हम लोग को निकालना है संट से कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यानी निकालना है कि संट से प्रवाहित धारा, जो संट से प्रवाहित धारा का हम लोग सूत्र प्राप्त किए थे आई एस इज इक्वल टू आई इंटू जी बाई एस प्लस जी। तो यहां पर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि एस तो है, जी भी है और वी है, आई नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को आई निकालना होगा, क्योंकि आई के बिना निकाले हुए इस सूत्र से
प्राप्त नहीं किया जाता है, संस से प्रवाहित होने वाली धारा। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ कि चूंकि ये दोनों किस क्रम में है, समानांतर क्रम में है, तो संयुक्त प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयुक्त प्रतिरोध, तो 1/R = 1/G + 1/S, तो 1/R = 1/G, तो G कितना है 45, यहाँ हम लोग 45 कर दिए, प्लस 1/5, ये दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, तो 1+9, तो ये कितना हो गया 10/45, 1/R, दैट इज R = कितना हो गया 45/10 ओम, या 4.5 ओम भी कर सकते हैं। तो ये अभी आया कुल प्रतिरोध आया, अब निकालेंगे धारा, कुल धारा। तो इसके लिए हम लोग ओम का नियम लगाएंगे, ओम के नियम से V = IR, तो V हम लोग को कितना दिया हुआ है 40, I और R कितना है 4.5, दैट इज I = 40/4.5, पॉइंट हटाएंगे, ये हम लोग काट देंगे इसको, ये जो है 9, तो ये कितना आ गया 80/9 एम्पियर। इसको हम लोग पॉइंट में मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेटली हम लोग को क्या निकालना है, संट से प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना है। अब हम लोग का कुल धारा आ गया, तो अब हम लोग जो सूत्र बताए थे कि IG = I × G/S + G, तो अब हम लोग का आई आ चुका है, तो ये 80/9 जी का वैल्यू कितना था 45, बाई एस कितना था 5 + 45, तो ये हो जाएगा कितना, तो 80 दैट इज IG = ये 80/9 45/50, यानी 8, ये क्या हो गया 8 एम्पियर की धारा, तो किससे प्रवाहित हो रही है गैल्वेनोमीटर से, 8 एम्पियर की धारा गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित हो रही है, तो हम लोग को निकालना क्या है संट से प्रवाहित होने वाली धारा। तो संट से प्रवाहित होने वाली धारा यानी IS = I - IG बतला चुके थे, तो I टोटल कितना है 80 - 22/9, तो ये कितना हो जाएगा 8/9 ओम, यानी यही जो है संट से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि कुल धारा निकालना है, कुल धारा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ देंगे, उससे कुल प्रतिरोध निकल जाएगा, फिर ओम का नियम लगाएंगे जिससे कुल धारा निकल जाएगी, फिर सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग संट का, संट से प्रवाहित होने वाली धारा का भी मान निकल जाएगा, और अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कहता है तो उसका सूत्र लगाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी ज्ञात हो जाएगा, और हम लोग जो है इस तरह से इसको सॉल्यूशन कर दें। अब इस तो हम लोग देखे आज का हम लोग टॉपिक क्या रहा था कि एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, और इसके बाद हम लोग क्या बतलाए संट बतलाए। अब जो हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो वह होगा एमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना, और वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलना, और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे, आज जो है यही टॉपिक समाप्त तो होता है, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी सुझाव है अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही दीजिए, और तभी जाके जो है हम लोग हमारा प्रयास जो है एक सार्थक
सार्थकता सार्थक हो पाएगा। तो आज